हरियाणा कृषि विभाग टिड्डी दल को देखते हुए सतर्क हो गया है। राजस्थान से साथ लगते जिलों में टिड्डी दल हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने सतर्कता को लेकर किसानों में इसके प्रति जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के हिसार में टिड्डी के आने के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने विभाग के सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर गांव में किसानों को जागरूक करने के लिए कहा है। कृषि विभाग ने डॉक्टर अरुण कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। हिसार के कृषि विभाग के अनुसार अगर टिड्डी दल आ जाता है तो किसान डीजे थाली ढोल पीपे बजाकर उन्हें उड़ाने का काम करे। डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार फोगाट ने बताया कि टिड्डी झुंड के रूप में चलता है। मादा टिड्डी नरम मिट्टी में छेद करके 5 से 15 सेंटीमीटर गहरी उचित नमी में 60 से 80 अंडे देती है। अंडे चावल के दाने के समान 7 से 9 मिलीमीटर लंबे और पीले रंग के होते हैं। उन्होंने बताया कि अंडों से शिशु निकलते हैं, उन्हें होपर या फुदका कहा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान करता है। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि इनका रंग पीला, गुलाबी एवं काली धारियों युक्त होता है। उन्होंने बताया कि टिड्डी के उड़ने की क्षमता 13 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसका झुंड 200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। टिड्डी दल रात को झाड़ियों एवं पेड़ों पर विश्राम करती हैं तथा सुबह उड़ना प्रारंभ करती हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डी दल दिखाई देने पर डीजे थाली ढोल एवं खाली पीपे बजाकर जितना संभव हो सके बैठने से रोके। साथ ही सरकार द्वारा सिफारिश की गई है कि दवाई का छिड़काव करें और तुरंत इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दे। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। जो टिड्डी दल के बारे में काफी आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी आया है, आपस में किसान भाई या विभाग के अधिकारी भी बात करते हैं, तो कल या एक दो दिन पहले शाम को पता लगा भी टिड्डी जो हरियाणा के सीमावर्ती राजस्थान का जो एरिया लगता है वहाँ टिड्डी का प्रकोप काफ़ी हो चुका है। तो इसमें जहाँ लगे राजस्थान के साथ लगते अधिकारियों से, हमारे काफ़ी अधिकारी जो उधर के उन्होंने बात करी, तो ये बात सामने आई कि जो टिड्डी का झुंड है या जो टिड्डी सोन में चल रही है वो 6 से 8 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन वो राजस्थान के अपने जो नारनौल के पास खेतड़ी और ये इधर लूनसर श्रीनगर का यहाँ जो पता लगा, तो वो अब कल जो बात करी तो बता रहे थे कि वो हवा की डायरेक्शन की वजह से सिक्कर की तरफ चली गई, लेकिन इसमें किसान भाइयों को किसी प्रकार का पैनिक होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरे दिन चलती है और शाम को अंधेरा होते ही वहीं बैठ जाती है, जिस जगह बैठती है वहाँ काफ़ी नुकसान करती है। ये पौधा का चाहे फल फूल पत्ती हर तरह से उसको खाकर नुकसान करती है और इसकी एग लेइंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तथा इस बारे में किसान भाई ढोल नगाड़े डीजे जो अगर वो झुंड जो ही दिखाई दे बजाना शुरू कर दें तो उससे ये अपना रास्ता चेंज कर देती है या थोड़ी ही आगे निकल जाती है, तो उसके बाद उस जगह पर इसका नुकसान की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फिर भी अगर कहीं रात को ये झुंड रुक जाता है, बैठ जाता है, जहाँ बैठता है वहाँ ज़्यादा नुकसान करता है, तो उस जगह आप केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे जिस तरह अपने HAU के रिकमेंडेड डोज है, लैम्डा साइक्लोथिन 5% है, 10% है, उनका स्प्रे से इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जो ही हरियाणा सरकार को या अधिक हमारे उच्च अधिकारियों को पता लगा टिड्डी दल का प्रकोप राजस्थान के जो हरियाणा के सीमावर्ती में हो चुका है, उसी टाइम रात को ही हमारे निदेशालय से पूरी हरियाणा के अंदर डायरेक्शन दी गई कि सभी किसान भाइयों को इस बारे में जागरूक किया जाए, तथा जितने भी हमारे एक्सटेंशन का स्टाफ जो फील्ड के अंदर है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी तथा अपने पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी सरपंच से मिलकर किसान भाइयों को जागरूक करने में लगे हुए। जो टिड्डी का देखो वो तो संख्या के आधार पर आकार होता है, कोई भी झुंड हो उसका आकार निश्चित तो होता नहीं, लेकिन ये लगभग झुंड में चलती है तथा अकेले भी चलती है, अकेली का नुकसान काफ़ी कम होता है, झुंड में जो चलती है उसका नुकसान हमेशा ज़्यादा होता है। ये पौधे को फल फूल पत्ती खाकर ज़्यादा नुकसान करती है। इसकी जो अगर जीवन चक्र की बात करें तो एक आम इंसेक्ट की तरह इसका जीवन चक्र होता है, पुपा हो गया, एडल्ट हो गया, अंडा हो गया, तो लेकिन ये अंडे देने की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लगभग ये 90 या 100 के करीब एक दिन में अंडे जो दे देते हैं। मैं तो किसान भाइयों को एक ही जागरूकता संदेश देता हूँ कि जो ही आप इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
दूसरा जो आपको पता लग जाता है भी अब इस एरिया के अंदर हमारे एरिया के अंदर इस तरह का प्रकोप होने वाला है, उस टाइम सभी किसान भाई ढोल नगाड़े डीजे बजाकर इसको थोड़ा हाफ अपने एरिया को सेफ करने के लिए उसकी डायरेक्शन या उसको आगे भेज सकते हैं। ज़्यादा खतरा इसका वहाँ होता है जहाँ रुकती है, पूरे दिन तो चलती है, रात को अंधेरा होता ही रुक जाती है, अगले दिन सुबह उठते ही फिर जाती है। आज मैं हरियाणा के अंदर हमने कहीं नहीं लगाया कि भाई आज न कभी टिड्डी आई हो, मैंने खुद न कभी टिड्डी को नहीं देखा है जी टिड्डी को, और अब थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है भाई, जो सीमा अपनी राजस्थान से लगती है वहीं इसकी कुछ संभावना आने वाले टाइम में कभी हो सकती है। नहीं पता तो जिस तरह अब अपने को लग गया भाई ये राजस्थान के पास लूनसर में खेतरी में यहाँ है तो वहीं से आगे की संभावना, बिल्कुल कोई भी इंसेक्ट हो झुंड में चलेगा वो हवा के रुख की तरफ ज़्यादा चलेगा, इंसेक्ट हवा के अपोजिट तो चल ही नहीं सकता। इसका आकार तो जिस तरह अपने आम भाषा में आप ग्राम ऊपर ग्रास ऊपर जो होता है वो उसी प्रकार का उससे मिलता जुलता इंसेक्ट है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.